नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया ईरान यूएसए रिलेशंस की ट्रायंगल के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2012 में यूएसए की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन भारत की यात्रा पर आती हैं और इंडिया को कन्विंस करवाने की कोशिश की जाती है कि आप ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना कम कीजिए। उस समय हिलरी क्लिंटन एक प्रकार से P5+1 कंट्रीज की रिप्रेजेंटेटिव बन के आई थी। P5+1 कंट्रीज ने ही, आपको याद होगा, 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी। तो उस समय इंडिया को आर्ग्यूमेंट यानी लॉजिक ये दिया गया था, सभी देश अगर ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट कम करेंगे तो ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, यानी ईरान को मजबूर किया जा सकता है कि वो बातचीत की टेबल पर आए और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के लिए किसी प्रकार की डील साइन करें। लेकिन हिलरी क्लिंटन अपनी एक किताब में जिक्र करती हैं, इन सब आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद इंडिया को कन्विंस करवाना आसान नहीं था, क्योंकि ईरान में इंडिया की छबार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट है और ईरान इंडिया को सस्ता ऑयल देता है, तो डायरेक्टली इंडिया के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं अगर इंडिया ईरान से ऑयल इम्पोर्ट को कम करता है। लेकिन फिर भी इंडिया ने हिलरी क्लिंटन को आश्वासन दिया कि हम 15% तक ईरान से ऑयल कम इंपोर्ट करेंगे। लेकिन इंडिया के अलावा बाकी देशों ने भी ईरान से ऑयल को इंपोर्ट करना कम कर दिया और इसका रिजल्ट निकला, ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा कम हो गया। 2012 से पहले ईरान 2.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बहुत सारे देशों ने ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया ईरान से और ईरान का एक्सपोर्ट 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल रह गया। कहने का एसेंस यहाँ पर देखो ये है, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट था वो सही था, ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना जरूरी था, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना जरूरी था, इसलिए सभी देशों ने थोड़ा थोड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना कम किया ईरान से। इंडिया ने भी मानी बात, इसका अच्छा रिजल्ट भी निकला, ईरान पर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और बातचीत की टेबल पर आया ईरान। 2015 में एक सफल न्यूक्लियर डील साइन हुई P5+1 कंट्रीज और ईरान के बीच। डील में कहा गया ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेगा, बदले में ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उन्हें कुछ हद तक हटाया जाएगा। देखो, एक तो ये सिचुएशन थी। अब एक बार फिर से यूएसए की तरफ से डेलीगेशन इंडिया में आ रहे हैं इंडिया को कन्विंस कराने के लिए कि आप ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना कम कीजिए। सिचुएशन अब अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। 2012 में सिचुएशन अलग थी, 2012 में जो लॉजिक था यूएसए की फॉरेन मिनिस्टर आई थी, लॉजिक सही था कि ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना है इसलिए जरूरी है। लेकिन अब लॉजिक गलत है, ईरान ने 2015 में साइन हुई न्यूक्लियर डील का पालन किया था। इवन IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा 2015 की डील में जो भी वादा ईरान के द्वारा किया गया था उस वादे को ईरान के द्वारा निभाया गया है। लेकिन फिर भी यूएसए डील से बाहर आ गया है। लेकिन यूएसए के अलावा बाकी देश जिन्होंने 2015 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी, P5+1 में अगर हम यूएसए को निकाल दें, फ्रांस, यूके, रशिया, चाइना और वन का मतलब है यहाँ पर जर्मनी, ये देश अभी भी ईरान को कन्विंस कराने में लगे हैं यूएसए बेशक 2015 की डील से बाहर आ गया हो, आप बाहर मत आइए, हम आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे और कोई स्पेशल पेमेंट्स मैकेनिज्म हम ढूंढ लेंगे ताकि हमारा आपके साथ ट्रेड चलता रहे। सिचुएशन समझ गए आप। 2012 में जब हिलरी क्लिंटन आई थी तब यूएसए को इन कंट्रीज का भी समर्थन हासिल था, उसी के बेस पे हिलरी क्लिंटन इंडिया को बोल रही थी कि आप ईरान से ऑयल का इम्पोर्ट करना कम कीजिए। लेकिन आज के समय में जब यूएसए से डेलीगेशन आ रही हैं तो यूएसए के डेलीगेशंस को समर्थन हासिल नहीं है, इवन यूएसए के अलाई कंट्रीज का, यूएसए के जो अलाई कंट्री हैं जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये देश भी नहीं चाहते कि इंडिया ईरान से अब ऑयल को इंपोर्ट करना कम करे। देखो, बेशक यूएसए कुछ देशों को फोर्स कर दे,
कुछ देशों पर दबाव डाल दे, उनको मजबूर कर दे कि वो ईरान से ऑयल को इंपोर्ट करना कम कर दें। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में यूएसए खुद ही आइसोलेट हो रहा है। आज बहुत कम देश ऐसे हैं जो यूएसए की बात मानने को तैयार हैं। वो यूएसए जो पहले इंटरनेशनल रूल ऑर्डर का हवाला देकर काफ़ी सारे एक्शंस ले लेता था ग्लोबल पॉलिटिक्स में, आज खुद ही यूएसए इंटरनेशनल रूल ऑर्डर को इग्नोर कर रहा है। यूएसए WTO को इग्नोर कर रहा है, UN को इग्नोर कर रहा है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर आ गया है, और इवन 2015 में साइन हुई ईरान न्यूक्लियर डील, ये अकेले US का एग्रीमेंट नहीं था, ये P5+1 कंट्रीज का एग्रीमेंट था ईरान के साथ। लेकिन यूएसए अपनी मर्जी चलाता हुआ अब इस एग्रीमेंट से बाहर आ गया है। कहने का एसेंस साफ, यूएसए आइसोलेट होता जा रहा है वर्ल्ड में। और अभी देखो, अगर इंडिया यूएसए के दबाव को मान लेता है, यानी यूएसए के सैंक्शंस जो लगने वाले हैं ईरान पर, उनको मानते हुए अगर इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट को कम कर देता है, तो इसकी भारी कीमत इंडिया को चुकानी पड़ेगी। अगर इंडिया को वेवियर मिल गया तो भी, आपके दिमाग में आया होगा, अगर इंडिया को छूट मिल गई यूएसए से, यानी वेवियर मिल गया, तो भी इंडिया को कैसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, यहां पे वेवियर जब मिलता है तो ऐसे नहीं मिलता कि यूएसए हमें पूरी तरह से छूट दे देगा। हाँ जी, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको ईरान से मर्जी जितना ऑयल इंपोर्ट करना है कर लीजिए, नहीं। वेवियर ऐसे होता है, यूएसए इंडिया को बोलेगा एकदम से हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप धीरे धीरे करके ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट कम कर दीजिए, इस प्रकार से होता है वेवियर। तो अब बात करते हैं कीमत क्या चुकानी पड़ेगी इंडिया को। सबसे पहली बात देखो, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, ईरान से इंडिया सस्ता ऑयल इंपोर्ट करता है। अब ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना इंडिया कम कर देगा तो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर बढ़ जाएगी, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया और UAE। ये इंडिया की हितों के लिए अच्छा नहीं है। ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो डोमेस्टिक मार्केट में डीजल और पेट्रोल के दाम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इवन देखो, आज के समय में हमारे इंडिया में बहुत सारी रिफाइनरीज ऐसी हैं जहां पर मशीन्स ईरान से इंपोर्ट किए जाने वाले क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में सक्षम हैं। अगर ऑयल इंपोर्ट बढ़ता है दूसरे देशों से, तो इंडिया के जो रिफाइनरीज हैं वहां पे मशीनों को फिर से रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, यानी दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले ऑयल के हिसाब से मशीनें बदलनी पड़ेगी। ये भी एक रीज़न है। दूसरा नुकसान इंडिया को बड़ा ये होगा, अभी फिलहाल ईरान में इंडिया की $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है छबार पोर्ट में। अगर इंडिया यूएसए की बात को मान लेता है और ईरान से ऑयल इंपोर्ट कम कर देता है, तो डेफिनेटली ईरान तो चुप बैठेगा नहीं, ईरान हमारी इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर देगा और छबार पोर्ट पर सैंक्शंस भी ईरान लगा सकता है। हुआ क्या था, 2012 में जब इंडिया ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया था, तो उस समय हमने टेंडर निकाला था छबार पोर्ट के लिए, हमें बड़ी क्रेन्स हमें चाहिए सामान को उठाने के लिए, लेकिन कोई कंपनी सामने नहीं आई। अंत में जाके हमें चाइना की एक कंपनी से इस प्रकार की बड़ी क्रेन्स को खरीदना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो ईरान की नाराजगी इंडिया मोल लेता है, तो इंडिया की जो इंटेंशंस हैं पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान को एक्सेस करने की, यानी कनेक्टिविटी इंडिया इन्हेंस करना चाहता है ईरान से होते हुए ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया में भी, इंडिया का वो प्लान भी खतरे में पड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अफगानिस्तान में अपने कार्ड्स को ठीक से प्ले करने के लिए भी इंडिया को ईरान की आवश्यकता है। इससे पहले भी 2001 में इंडिया और ईरान मिलकर काम कर चुके हैं अफगानिस्तान में। अगर इंडिया और ईरान के बीच डिफरेंसेस आते हैं, रिलेशंस खराब होते हैं, तो अफगानिस्तान में ईरान इंडिया का साथ नहीं देगा और ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होगी पाकिस्तान के लिए। इवन देखो, कहा यह भी जा रहा है अगर यूएसए ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाता है एक लेवल से ज़्यादा और यूएसए के अलाई कंट्रीज बांधते हैं यूएसए की बात, तो ईरान चला जाएगा रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इन देशों के साथ। ये सिचुएशन भी इंडिया के लिए कतई अच्छी नहीं है। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यूएसए के कहने पर इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट कम भी कर देता है, क्या यूएसए अपनी बात पर अड़िग रहेगा? क्या इंडिया का ये बलिदान काम आएगा? बिल्कुल नहीं। यूएसए अपनी बात पर कभी अड़िग नहीं रहेगा। यूएसए एक बार फिर से जमीन तैयार कर रहा है ईरान पे दबाव डाला जाए, इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जाए ईरान को, और फिर से बातचीत की टेबल पर लाया जाए ईरान को। आज नहीं तो कल
फिर से ईरान की डील साइन होगी यूएसए के साथ, लेकिन इंडिया जो बलिदान करेगा ईरान से ऑयल इंपोर्ट को कम करके, वो काम नहीं आएगा। यूएसए अपनी बात पर अडिग नहीं रहेगा, यूएसए आगे जाके यू टर्न लेगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, यूएसए ने कुछ समय पहले इंडिया को कहा कि आप नॉर्थ कोरिया में यानी प्योंगयांग में आपकी जो एम्बेसी है उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि जरूरी है नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रेशर डाला जाए। जब यूएसए ये बात हमें बोल रहा था, उस समय यूएसए की रिप्रेजेंटेटिव्स की नॉर्थ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत चल रही थी बंद कमरों में। यानी एक तरफ तो यूएसए सोच के देखिए हमें बोल रहा है कि आप अपनी एम्बेसी बंद कीजिए, दूसरी तरफ खुद ही बातचीत कर रहा है नॉर्थ कोरिया से। और बाद में एक बड़ा समिट भी ऑर्गेनाइज हुआ 12 जून को, जिसमें यूएसए और नॉर्थ कोरिया के प्रीमियर्स ने पार्टिसिपेट किया। सिंगापुर में ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। तो क्या आप यूएसए पे विश्वास कर सकते हो? क्या आप विश्वास कर सकते हो यूएसए अपनी बात पर डटा रहेगा? नहीं, आप यूएसए पे विश्वास नहीं कर सकते। आप यूएसए की बात मानोगे तो आगे जाके आपको ही नुकसान होगा। तो इस प्रकार से हमने समझा, अगर इंडिया यूएसए की बात को मानता है तो इंडिया को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए इंडिया साफ साफ यूएसए को बोल दे कि भैया हम आपकी बात को नहीं मानने वाले हैं, आप जिस पर सैंक्शंस लगाना चाहते हो लगा दो, लेकिन हम आपके कहे अनुसार नहीं चलेंगे। इवन भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा, इंडिया सिर्फ यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस को मानता है, किसी दूसरे देश के सैंक्शंस को इंडिया नहीं मानता है। लेकिन इंडिया के जो एक्शंस हैं वो इंडिया की बातों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। यूएसए से डेलीगेशंस आ रही हैं इंडिया को कन्विंस कराने के लिए कि आप हम जो सैंक्शंस लगाने वाले हैं ईरान के ऊपर उनको मानिए और ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट कम कीजिए। कुछ ऑफिशियल्स के हवाले से ये खबरें भी आई, यूएसए के ऑफिशियल्स को इंडिया ने कहा हमारी एनर्जी कंपल्सन्स हैं, लेकिन फिर भी आपके कहने पर टू सम एक्सटेंट हम ईरान से ऑयल को इंपोर्ट करना कम करेंगे। तो ऐसा इंडिया क्यों कर रहा है? क्या ये इंडिया की डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है? एक तरफ यूएसए हमें ईरान से ऑयल इंपोर्ट कम करने पर दबाव डाल रहा है, दूसरी तरफ काट्सा एक्ट काउंटरिंग अमेरिकाज एनमी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, अगर कोई देश ईरान नॉर्थ कोरिया रशिया इन देशों की डिफेंस कंपनीज के साथ डील करता है तो यूएसए सैंक्शंस लगा सकता है। इंडिया ने अभी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया रशिया से, तो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे यूएसए सैंक्शंस लगाएगा इंडिया पे या फिर नहीं लगाएगा या फिर इंडिया को वेवियर देगा। आर्टिकल में कहा जाता है वेवियर कोई सॉल्यूशन नहीं है। वेवियर तो सिर्फ देखो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए दिया जाता है। क्या हर बार हम यूएसए से वेवियर मांगेंगे कि भैया एक बार फिर से हम कोई चीज खरीद रहे हैं रशिया से, आप फिर से हमें वेवियर दे दो? अगर इंडिया बार बार ऐसा करता है तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है इंडिया घुटने टेक रहा है यूएसए के सामने। और इंडिया ने जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी को प्रीच किया है आजादी से अभी तक, इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी को डाइल्यूट कर दिया है, यह हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ईरान यूएसए और इंडिया रिलेशंस की ट्रायंगल के बारे में। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। यूएसए एक बार फिर से ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने जा रहा है, यूएसए के इस डिसीजन से इंडिया के इंटरेस्ट किस प्रकार से प्रभावित होंगे, या फिर आप कह सकते हो इंडिया के इंटरेस्ट पर क्या इंप्लीकेशंस होंगी यूएसए के इस डिसीजन की, और आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में इंडिया की अप्रोच क्या होनी चाहिए? 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।